चलो चलो। मैक्लोडगंज पहुंचे तभी मेरी बाइक की एक क्लच वायर टूट गई है। जैसे तैसे करके धक्का वक्का मार के इसको लेके आए। देखो ऐसा है, सब घर जैसा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनीत शर्मा। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। सो आज का दिन हम शुरू करते हैं, तो हम सब तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। मैं तो मस्त। रात को ही ना सबसे बढ़िया होता है, नहा लो, फ्रेश हो लो, ताकि सुबह उठो, ब्रश करो और निकलो। तो अब पहाड़ की जर्नी फाइनली स्टार्ट करते हैं। रेडी है भाई? ऑल सेट टू गो। अब सीधा पहाड़ों पे जाके रुकेंगे। हां ठीक है। कहां थी? मैक्लोडगंज। चलो रेडी। कितना डिस्टेंस बता रहा है भाई? 5 घंटे 28 मिनट, मतलब लगभग 5 बजे पहुंचेंगे, और हमारी स्पीड से मतलब 6 बजे। 3 बजे पहुंचा देगा? तो चलो गाइस, अब यहां से निकलते हैं, होपफुली मौसम अच्छा रहे। तो जहां हम रुके हुए थे जीरकपुर में, वहां से हम निकल गए हैं पहाड़ों की तरफ। एक बस यही दिक्कत होती है, जब तुम दोपहर को निकलो ना, पूरे रास्ते ही ट्रैफिक मिलता है। कभी ट्रैफिक नहीं मिलता, धूप कम होती ना, तो और मज़ा आता चलाने में। लेकिन अभी तक तो चलो सही लग रहा है। एक चीज़ की दिक्कत हुई है बस, लाइक आई एम नॉट यूज टू दिस ग्लव्स ना, तो रात भर राइड करते करते मेरी हाथों की उंगली में दर्द हो रहा है। आदत नहीं है ना, तो ये वाली उंगली और अपर अंगूठे में दर्द हो रहा है। अभी तक लगभग 65 किलोमीटर चलाए हमने, 65 किलोमीटर, और इतनी धूप हो रही हो, इतनी डिहाइड्रेशन फील हो रही है ना, कान बच गई है। हाँ भाई, अभी कितनी देर में आएंगे पहाड़? 100 किलोमीटर और है। गाइस अभी हम रूपनगर के रास्ते में हैं। हम यहाँ पे आ गए, गन्ने का जूस पीने रुके, क्योंकि पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग भी आने का प्लान कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरे पीछे अगर कहीं टोल दिख रहा है, तो अभी तक बाइक पे अगर आप आ रहे हो तो कोई टोल देने की जरूरत नहीं पड़ी है। मोस्टली आधे टोल तो बंद पड़े हैं किसान आंदोलन की वजह से, लेकिन अभी तक कोई टोल देने की जरूरत नहीं पड़ी है। थैंक यू अंकल। शायद हमने 100 किलोमीटर कवर किए होंगे जीरकपुर से सुबह से। हाँ है ना, इतनी धूप हो रही है, राइड करके थकावट नहीं हो रही, धूप से डिहाइड्रेट हो गए, थकावट हो गई। अभी गन्ने का जूस पिया, फिर इतनी वो हो रही है, और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और यहाँ रुके हैं एक ढाबे पे कुछ खाने के लिए। और कुछ ठंडा ठंडा पानी मुँह पर डालते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है ठंडा पानी डालने में। हमारा खाना आ गया, दाल मंगाई है, रोटी है, मिक्स वेज है, तो जल्दी से खाते हैं। चलो भाई आगे। चलो चलो। साले हद हो गई है, जब से बाइक चला रहे पहाड़ ही नहीं आ रहे, चलाए जा रहे, कब आएंगे पहाड़। तो अभी हम पूना में ही है, तकरीबन 8 किलोमीटर बाद पहाड़ शुरू होंगे। तो सच बता रहा हूँ भाई, ये पानी है जो हमें बचा रहा है, हर थोड़ी देर में पानी पीना पड़ रहा है गाइस, ऐसी डिहाइड्रेशन हो रही है ना, और इतनी धूप हो रही है। आई गेस कितना टेम्परेचर हो गया, 40 डिग्री के आसपास है, 40 डिग्री के लिए। सच में दिल्ली छोड़ा था, लेकिन गर्मी नहीं छोड़ रही है। किसी ने सही कहा है, अगर जन्नत कहीं है तो पहाड़ों में है। ओ भाई, फाइनली आ गए पहाड़ भाई, नजारे देखो। यार मोटे, क्या पहाड़ है, मैं तो ट्रिप कर रहा हूँ। A
little longer than a few minutes later. बड़ी मुश्किल से दोनों बाइक के अंदर लाए फाइनली गाइस. हम लोग मैक्लोडगंज पहुंच गए हैं. हालत टाइट हो गई, वो थे ना आइसिंग ऑन द केक. जितना सहसा दिन जा रहा था एंड ऑफ द डे मेरी बाइक की ये क्लच वायर टूट गई. मैक्लोडगंज पहुंचे तभी मेरी बाइक की ये क्लच वायर टूट गई है. जैसे तैसे करके धक्का वक्का मार के इसको लेके आए. तो हमारा होटल का नाम क्या है? वुड कैसल. तो फाइनली हम लोग जैसे तैसे करके होटल वुड कैसल पहुंचे हैं. भाई ने बड़ी मेहनत की है, भाई ने धक्का खिलवाया इन दोनों बाइकों का. आपका नाम क्या भाई? पिंटू कुमार सर. पिंटू, यस सर. थैंक यू. अरे हाय तो कर दो कैमरे में देख के. हाय सर. अभी रूम की तरफ चलते हैं और बाइक को कल ठीक करवाते हैं. मेरी हालत ऐसी हो गई है, वो आम को ऐसे चूस के फेंक देते हो ना, वैसी हालत हो गई है. तो फाइनली आई गेस 2-3 घंटे मिनिमम हमने होटल ढूंढा. हमसे एक गलती हो गई, हमने सारी चीज कर ली लेकिन होटल बुक करना भूल गए थे हम लोग. ओवर द टॉप क्लच वायर टूट गई. सॉरी भाई, अब कल जाके इसको ठीक करवाऊंगा सुबह सबसे पहला काम. फाइनली लेकिन 2 घंटे यहाँ वहाँ इधर उधर, भाई दिल्ली में हर किसी को फोन कर लिया कि किसी का है, मतलब दिल्ली में फोन किया है कि मैक्लोडगंज में है किसी का जुगाड़. मेरा भाई कार्तिक ने भाई फाइनली बताया ये होटल के बारे में. क्या है होटल? वुडन वुड कैसल. होटल वुड कैसल है. फाइनली में मिला अच्छे रेट में. ये 2000 रुपीज पर नाइट है पर रूम, तो मतलब पर हेड 1000 रुपये हो गया पर नाइट. तो अच्छा है, रीजनेबल है. रूम बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है. सुबह देंगे बालकनी भी. हाँ सुबह देंगे. अभी तो देखो क्या, अभी तो खुद का टूर ऐसा हो गया, यहाँ से कोई उठा के बाथरूम ले जाओ. भाई मैंने कैलकुलेट किया, हमने जीरकपुर से लेके यहाँ तक 275 किलोमीटर चलाई है बाइक अभी तक. बस भाई पहाड़ों में बैंड बज गई है, ऐसी तैसी हो गई है. तो गाइस इस ब्लॉग को यही कंप्लीट कर दे भाई. डन भाई, डन. कल का कल दिखाएंगे. तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को मैं यही कंप्लीट करता हूँ. आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. पसंद आएगा तो क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब. ये लाइक बटन दबा डालो. ऐसी की तैसी गिर गया. गिर गो. तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो चैनल पे नए हो तो. तब तक ले खाओ प्याज करो, मजे करो. हम भी दाल चावल खाते हैं. ढक्कन बंद और ढक्कन बारे कर ढक्कन बंद.